पंजाबी दे नामवर वाहिद अखबार रोजनामा फलेखा दे विच डॉक्टर इजहार गुलजार साहब का मजबूर पढ़िया जिहड़ा उन्होंने अलियास घूमन साहब के बारे लिखा उन्होंने पंजाबी खिदमतों के बारे लिखा है तो वो उन्होंने अलियास घूमन से वो तहकीकी रिसर्च का काम कर छड़िया जिहड़ा हवाले के तौर पर काम किया जा सकता है। अज तो बाद जितने भी अलियास घूमन के मजमून लिखे जाएंगे या तहकीकी आर्टिकल लिखे जाएंगे वो जनाब डॉक्टर इजहार गुलजार साहब के मजमून का हवाला जरूर दिया जाएगा। इन्होंने उन्होंने हयाती फन उन्होंने खिदमत उन्होंने सारिया जेहतों के हवाले ने बड़ा परवा मजमून लिखा है उन्होंने किताबों का इहाता किया है उन्होंने हालात जिंदगी लिखे ने उन्होंने तनकीदी तहकीकी तकनीकी विचार इकट्ठे किए हैं तो बहुत ही खूबसूरत जबान एक अच्छी लैंग्वेज एक ऐसा मजमून लिख छड़िया जिहड़ा किसी पन्नों भी घाटा नहीं कोई कमी नहीं और हर पन्नों भरिया होया मजमून नज़र आता है। इस मजमून की जिनी भी तारीफ की जाए घाटे तो बहुत कम लोग ने जिन्होंने इतने खलूस और मुहब्बत और इश्क के नाल कोई मजमून लिखा हो डॉक्टर इजहार गुलजार साहब ने लिया घूमन सच्चा इश्क इस इश्क की वजह साड़ी पंजाबी जबान नाल इश्क से मुहब्बत है तो पंजाबी धरती नाल इश्क से मुहब्बत की गल है जिस तरह सानू अपनी पंजाबी धरती के नाल इश्क है पंजाबी जबान नाल इश्क है इसे तरह पंजाबी की खिदमत करने वाले लियास घूमन नाल भी इश्क है तो ये इश्क हमेशा जिंदा रहेगा। तो यदि मिसाल डॉक्टर इजहार गुलजार का मजमून है जिहड़ा रोजनामा भुलेखा के जनाब डॉक्टर मुदस्सर भट्ट साहब ने बड़े अचेज नाल शाया किया पूरे सफ़े का एडिशन है जिद बड़ा खिलार है और ये पूरे तहकीकी मकाले की जगह रखता है और सब तो वड्डी गल है कि एक रेफरेंस का मजमून है और सारिया अथेंटिक मालूमात ने अथेंटिक तफसीलात दी गई ने बड़िया मुसदका सच्चिया गल्ला ने ते पक्कियां पीड़ियां गल्लां ने। इस मजमून छपन से जिथे लियास घूमन साहब मुबारकबाद के मस्तक ने उत्थे इजहार गुलजार साहब भी मुबारकबाद के मस्तक ने।